राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। शुक्रवार को यहां पारा 9 डिग्री सेल्सियस रहा था, वहीं अधिकतम तापमान दिल्ली में 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में शीतलहर के साथ तापमान में और गिरावट आएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा 6 से 7 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। वहीं आज कोहरा बढ़ने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार 15 दिसंबर के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया है कि 15 दिसंबर के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। वहीं पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार को यहां प्रदूषण खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था। कल यहां AQI 314 दर्ज किया गया, इससे पहले ये 289 था। सफर के मुताबिक अभी ये और भी खराब स्थिति में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।